विश्व हिंदू परिषद नववर्ष प्रतिपदा के मौके पर 25 मार्च को देश भर में राम महोत्सव मनाने का फैसला कर रहा है और इस बारे में वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल से बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। राम मंदिर से पहले राम महोत्सव की तैयारी। 25 मार्च को देश भर के 3.25 लाख गांव में राम मूर्ति की स्थापना की जाएगी। हमारे साथ बात करेंगे विनोद बंसल जी हैं। बंसल जी, वही गांव है जहां से कार सेवा के लिए ईंटें भी मंगाई गई थी, क्या कार्यक्रम रहेगा राम महोत्सव का? देखिए, जो 27, 28, 29 तारीख को मैंगलोर में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रणासी मंडल की बैठक हुई थी, उस बैठक में यह तय हुआ था कि भाई हम जो जिस तरह से हर साल हम मनाते हैं वैसे तो राम महोत्सव को, इस बार व्यापक पैमाने पर संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू रहता है उससे अपील की है कि हम वो सभी हिंदू मिल करके अपने घरों में, अपने मंदिरों में, गांव की चौपालों पर, सार्वजनिक स्थानों पर भव्य तरीके से राम महोत्सव को मनाएं। 25 मार्च को चूँकि वर्ष प्रतिपदा है, विक्रमी संवत का पहला दिन है, हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय होता है, सूर्योदय के पहले ही किरण से जो है हमारे वर्ष का प्रारंभ होता है, तो उस दिन से लेकर के हम जो है 8 अप्रैल तक यानी रामनवमी तक इस पूरे महोत्सव को मनाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।